मैडम मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, ये जो है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन दो बूंद जज्बातों की, ये दो बूंद आंखों में डाल दोगे ना तो ऐसे आंसू बहेंगे कि रोके रुक नहीं सकते। दो बूंद माफी की, ये बूंद आंखों में डालो और मैडम सर से माफी मांगो, आपके आंसुओं के सैलाब में मैडम सर बह जाएगी, फिर माफी क्या चीज है, आपको वो ऐसे ऐसे चौकी पोस्ट दे देंगे। इधर दिखा दिखा दिखा, क्या ये? ग्लिसरीन दो बूंद जज्बातों की। ठीक है बिल्ले, तुम्हारा आइडिया ट्राई करते हैं। हाँ हाँ करो। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, क्या हुआ आपको, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैडम सर बिल्ले हट। मैडम सर ये आपसे माफी मांगना चाहती है। देखिए ना अंदर से कितनी दुखी है, इसलिए आ जाइए। अच्छा ठीक है, आइए केबिन में बैठ के बात करते हैं। जी करिश्मा सिंह अब कहिए। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, आप हम बहुत शर्मिंदा है, हम शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें माफ कर दीजिए। सच में? हाँ सच में मैडम सर, हम अपना शक्ल नहीं देख पाते हैं आईने में, हम इतना शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें प्लीज माफ कर दीजिए आप मैडम सर प्लीज। क्या हुआ मैडम सर? नहीं हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपको सच में अपने किए का पछतावा हो रहा है। लेकिन सच कहें तो हमें इस बार आपकी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा है। हाँ? यकीन नहीं है मैडम सर, हम आपको कैसे यकीन दिलाए कि हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है। आप रो रही हैं करिश्मा सिंह, आप सच में रो रही हैं? हाँ मैडम सर, ये हमारे पश्चाताप के आंसू हैं मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आज प्लीज माफ कर दीजिए आप। ठीक है प्लीज प्लीज रिलैक्स, आप इस तरह से रोना बंद कीजिए, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, ऊपर से इतनी सख्त और इतनी कड़क दिखने वाली हमारी करिश्मा सिंह अंदर से इतनी इमोशनल है। देखिए हम मानते हैं कि आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है इसलिए आप गिल्टी फील कर रही हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है करिश्मा सिंह, ये सब तो होता रहता है, इस तरह से रोना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता करिश्मा सिंह। अच्छा ठीक है, हम आपको माफ करते हैं। ठीक है हमने आपको माफ कर दिया, रिलैक्स अब रोना बंद करिए। ओके गुड गुड। अम्मा ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे? करे ग्लिसरीन दिया है कि जहर दिया है, इतना आंसू बह रहा है। ये उसको ग्लिसरीन नहीं बोलते, लेकिन मैंने कहा था दो बूंद दो बूंद दो बूंद दो बूंद, दो ढक्कन डाले। क्या हुआ? अरे हमने आपको माफ कर तो दिया, अब तो रोना बंद कीजिए, रोकिए खुद को। नहीं रुकेंगे मैडम सर, दोस्त ज्यादा हो गया। क्या दुखी का डोज ज्यादा हो गया था ना मैडम सर, तो अब खुशी का डोज हो गया। बचपन की समस्या हमारी रही है ये कि हम जब बहुत खुश हो जाते हैं ना मैडम सर, तो हमारा ये पाइपलाइन फट जाता है और फिर ऐसे ये बहने लगता है मैडम सर। हमें आप टेंशन मत दीजिए, ये रुक जाएगा। खुशी का बात ये है कि आपने हमको माफ कर दिया मैडम सर। हाँ धन्यवाद मैडम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है? अरे कहाँ है? अरे कहाँ है ऐसे जो मैडम, कहाँ है? हाँ आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मैं अनुराधा और ये मेरे पति धीरज। आप जानती हैं मैडम सर? पता नहीं, आप आइए प्लीज बैठिए बैठिए। जी तो आपके हस्बैंड को क्या हुआ? अरे तो ऐसे हो गए ना, मीनू के ससुराल से लौटे तब से। मीनू मेरी बेटी,
मीनू, मीनाक्षी। ये मैडम सर को बता रही है कि याद दिलवा रही है? समझ नहीं आ रहा। उसके ससुराल गए थे ना उससे मिलने के लिए, जब लौटे तो ऐसे ही पत्थर जैसे बन गए। क्यों? एक गिलास दहेज मिलेगा क्या? है? क्या पानी मांग रहे हैं? अरे मैं भी ऐसे शॉक्ड हुई थी। ये नहीं कि ससुराल से वापस आए थे तब इन्होंने मुझसे कहा था कि एक बकेट भर के दहेज बाथरूम में रख दो। ऐसे हो गया ना इनका हाल। मीनू को ससुराल से लौटे ना तब से ऐसे बहुत चक्के से और आके फाड़ फाड़ के बस घूमते रहते हैं। इनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है। खैर वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी बोलते हैं सिर्फ दहेज ही बोलते हैं। पता नहीं मीनू के ससुराल वालों ने इस बार दहेज में क्या मांग लिया, इन्हें तो सदमा बैठ गया है। इसका मतलब आपके बेटी के ससुराल वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं? और नहीं तो क्या, इन्हें क्या अपने खुद के दहेज का सदमा बैठा है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि दहेज की वजह से इनकी हालत ऐसी हुई है? क्या आपकी बेटी के ससुराल वालों ने कभी किसी चीज की मांग की, किसी चीज के लिए फोर्स किया? नहीं ना मैडम, उन्होंने आपसे किसी चीज की मांग नहीं की, फोर्स नहीं किया, ना देने पर बेटी को परेशान नहीं किया, तो फिर हम किस बेसिस पर इसे दहेज का केस बनाएं? अरे उसके ससुराल वाले तो ऐसे ही ना बड़े चालाक है, उनको पता है ना कि आजकल दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मांगते हैं। वो तो बहाने बहाने से घुमा घुमा के पीरा पीरा के ऐसे मांगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता। हम दहेज देते जा रहे और वो लेते जा रहे, और पता तो हमें तब चलता है कि जब हम कंगाल होके सड़क पर आ जाते हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन इन बातों के बिना पर हम कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा कोई और जाके कराऊं क्या? नहीं नहीं, मतलब पूरी बात सुनकर ही हम कुछ कर सकते हैं। अरे पूरी बात तो आप जानती है ना, बताया ना मैंने अभी। मतलब हो सकता है कि ये सिर्फ एक तरफा सच हो, ये सिर्फ आपका नजरिया हो, हो सकता है कि पूरा सच कुछ और हो। देखिए हम सच की अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, और अगर हमें लगा कि ऐसा कुछ है तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज अपना फोन नंबर और एड्रेस पुष्पा जी को दे दीजिए। आइए। अरे मेरा एड्रेस तो वही है ना। हाँ वही वही बता दीजिए। हाँ, आइए मंदिर के पीछे। हाँ 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 बता दीजिए। आप कहाँ जा रही हैं? वर्दी लेने। मैडम सर आपने माफ कर दिया ना हमें? हमने आपको सिर्फ माफ किया है करिश्मा सिंह, वर्दी लेने के लिए नहीं कहा। और वैसे भी आप जहाँ जा रही हैं वहाँ आपको वर्दी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? बदनाम भाई। क्या है बे? क्या हैंडसम लग रहे हो यार। अरे वो तो मैं बचपन से हूँ, कोई शक? ए चल निकल। चल चल चल। और सुनो ना यार, एक काम था, 1000 रुपए दोगे बाद में देता हूँ। माँ कसम मैं 1000 रुपए के साथ जमाने पहले सेल्फी लिया था रे, तब से मैं खुद देखा नहीं, मैं देखने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं नहीं मेरे पास 1000 रुपए। बदनाम भाई 1000 रुपए दे दो यार, कल देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। अबे धंधा मंदा चल रहा, 1000 रुपए कैसे दे दो, 100 का गल्ला नहीं हो रहा। तो कौन देगा हमें उधार, सब तो हमारा कैरेक्टर जानते हैं, पैसा देते नहीं किसी को। एक मिनट बिल्लू से लेता हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात, अरे बहुत अच्छा जोक मारा तूने, वाह। अरे बिल्लू तुझे 1000 रुपए देगा? इम्पॉसिबल। हमें नहीं देगा, इकबाल को, लेकिन डिम्पल भाभी को दे दो ना। है? कौन डिम्पल भाभी? ये फालतू आदमी अपनी बीवी को भूल गया। डिंपल दिखने में बिल्कुल सिंपल है। भाभी जी का फोन। हेलो भाभी जी। बिल्लू जी कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, आप कैसी हैं भाभी जी? लेकिन हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन नहीं है बिल्लू जी। हम बहुत दुविधा में, इसलिए हमें आपका याद आया है। कहने बिल्लू जी हमको जरा देख, 2000 रुपया चाहिए था, नहीं हमको 3000 रुपया चाहिए था, तो हमें तो अपना और कोई खास नजर आए नहीं, तो इसीलिए हम आपको फोन किए। 3000? थैंक यू सो मच बिल्लू जी, हमको पता था आप हमको मना नहीं कर पाएंगे। हाँ, आधा घंटा में दुकान पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच बिल्लू जी, आप कितना स्वीट है। भाभी जी, भाभी जी आपने हमें याद किया और हम हाजिर हैं। भाभी जी बदनाम भाई नहीं दिख रहे, वैसे तो उस इंसान को दुनिया में ही नहीं दिखना चाहिए, पर फिलहाल कहाँ है वो?
कौनो काम से बाहर गए हुए हैं, अभी आते होंगे। भाभी जी जब से आपको देखा है ना हम काम से गए हैं। पैसा लाए हैं? लाए लाए भाभी जी, आपने कहा और हम ना करें ऐसे हो ही नहीं सकता। हम पैसे लाए हैं लेकिन एक दिक्कत है, पैसे सिर्फ 2,999 है, एक रुपया एडजस्ट कर लीजिए भाभी जी प्लीज। कैसी बात कर रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ क्यों, 1 रुपया ना एडजस्ट कर पाएंगे? कर लेंगे, चलिए। अच्छा आप बैठिए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, बैठिए ना। बिल्ले बिल्ले सुनो, हमको तुमसे काम है थोड़ा। बिल्ला बिल्ले गुड मॉर्निंग। लेकिन ऐसे कौन बुलाता है? अगली बार नहीं सुनोगे ना तो डंडा मारेंगे, समझ गए तुम? नहीं नहीं डंडा मार के नहीं, ऐसे भी आप बुला सकते हैं हमें। बोलिए क्या काम है हमसे? हमको तुमसे ये काम है कि अभी जो केस आया ना दहेज वाला, हमको उनके घर पर जाना, उनका रिश्तेदार बन के जांच पड़ताल करना है अच्छे से, उनकी समस्या का जड़ तक पता लगाना है, समझ रहे हो बात को? समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए, बिल्कुल समझ गए। हाँ हाँ तो हमको जाना है वहाँ पे, हमें पता लगाना है कि ये दहेज का मामला वाकई दहेज का है या फिर कोई और चक्कर चल रहा है। हसीना मैडम को ऑर्डर है कि तुमको हम साथ लेके जाए, समझ रहे हो या फिर दूसरी भाषा में समझाए? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए। नहीं क्या हो गया संतोष, क्या हो गया, तुम क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? हाँ जब से देख रहे तुम्हारा दोनों सुई एक ही जगह अटका हुआ है चेहरे का, क्या हो गया? वो अब हमारा वो थाना कॉम्पिटिशन जीतने का तो कोई चांस है नहीं, अब तो हारना कन्फर्म है। हाँ वो तो छोड़ ही दो। का हाँ का नहीं मतलब अब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हैं आप, और अगर वाकई ये मामला दहेज का निकला तो केस फाइल होंगी, एक केस फाइल होगी तो और भी केसेस आएंगे, और फिर तो हारना तय है ना। संतु ऐसा तुम्हें किसने कहा कि हमने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे FIR आएगा? हमने ड्यूटी ज्वाइन ही इसलिए किया है ताकि FIR थाने में ना आए। देखो भैया ऐसा है कि वर्दी से दूर रहकर, मैडम सर से दूर रहकर, मैडम सर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, हम पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हम थाना में रहेंगे, मैडम सर के आसपास रहेंगे ताकि हमें समझ में आए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर हम अपने तरीका से अपना ड्यूटी कर सके, समझ रहे हो बात को? ये प्लान है। इसलिए तुम संतु बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, स्माइल वापस आना चाहिए तुम्हारे चेहरे पे। जब तक हमारा थाना प्रतियोगिता नहीं जीत जाता ना, तब तक कोई FIR इस थाना में दर्ज नहीं होगी। हमने संकल्प लिया है ना, प्राण दे देंगे लेकिन ये संकल्प को हम पूरा करेंगे। नहीं नहीं फिर केस का क्या होगा? अगर वो लोग वाकई में दहेज के लालची निकले तो क्या उनको हम ऐसे ही जाने देंगे? पुष्पा जी हमारा सबसे पहले दायित्व ना हमारी ड्यूटी के लिए, हमारी वर्दी के लिए, बाकी सब बात में। इसलिए जिस शिद्दत से आज तक हम अपनी ड्यूटी निभाते आए हैं आगे भी उसी शिद्दत से निभाएंगे, बेगुनाह पर आज नहीं आने देंगे और गुनहगार को ना हम छोड़ेंगे। इसलिए अगर ये मामला दहेज का निकला ना पुष्पा जी, तो हम मैया कसम खाकर कहते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंसाफ होगा, इंसाफ हम करेंगे, लेकिन बिना रिपोर्ट का इंसाफ। नमस्ते। 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 नमस्ते जी। नमस्ते। आप लोग? जी आपने नहीं पहचाना? नहीं। हेलो मुझे भी नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं। देखा धुंडी वाली फोटो लगाई एल्बम में, समधी जी ने भी नहीं पहचाना। देखिए भाई साहब टाइम थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं एल्बमों की। अब साफ साफ बताइए आप लोग है कौन? जी मैं रीमा, मीना के मामा की लड़की, और ये मेरे हस्बैंड प्यारे। हाँ हाँ प्यारे है समधी जी। हाँ हमारी बहू मीनू ने तो बताई थी वो अर्पित के साथ शिमला जाने से पहले कि आप लोग लखनऊ आने वाले हैं। हाँ बोला था 2 दिन रुकेंगे आप हमारे यहाँ, टाइम थोड़े है वरना लाइन लगा देते हैं, आपको रिसीव करके लेके आने वाले की। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आप तो हमारे अपने हैं। आइए आइए अंदर आइए आइए आइए। केतकी देखो कौन आए। ये है हमारा छोटा सा घर। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं संजय अर्पित के पापा। कहाँ रख दी, अभी तो हाथ में ही थी,
कहाँ रख दी, मिल नहीं रही। अरे है अरे भाग्यवान, जो नहीं मिल रही है उसे छोड़ो, जो मिल रही है उनसे तो मिलो। हमारी बहू मीनू के परिवार वाले हैं, उनके घर से आए। मैं रीमा। हाँ रीमा। और ये मेरे हस्बैंड प्यारे जी। हाँ, बड़े प्यारे हैं। और ये जो रीमा है ये मीनू के मामा की बेटी है। अच्छा। घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई ना? तकलीफ किस बात की, यहाँ से यहाँ तो आना था, अमीनाबाद से ऑटो ली, दो मिनट सर से इधर। एक मिनट, मीनू तो कह रही थी कि आप स्टेशन से सीधा यहाँ आएंगी। लखनऊ पहली बार आ रहे हैं क्या? स्टेशन से ही तो आना था, लेकिन ये प्यारे भी ना इनके ना फ्रेंड रहते हैं अमीनाबाद में। अब प्यारे की बात हम टालते नहीं है, तो पहले फ्रेंड के घर गए अमीनाबाद में, फिर वाया अमीनाबाद होते हुए ऐसे हम आ रहे हैं। अच्छा, आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ कुछ तो ढूंढ रहे थे, पर याद नहीं आ रही है। उम्र हो गई है ना बेटा, इसलिए याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। अच्छा बेटा, आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। हाँ हम बैठते हैं। पति जी पहले आप बैठिए। जी प्यारे। प्यारे क्या हुआ? एक मिनट जी। अरे याद आ गया, सुई ढूंढ रही थी। जी बहुत जल्दी याद आ गए जी। हाँ बेटा, जब चुभती है तभी याद आती है। और कुछ भूली तो नहीं, बैठने से पहले बता दीजिए। नहीं बेटा बस एक ही थी। अच्छा। बैठ जाओ। अब क्या कहें इनका, इनका तो रोज का है, यहीं बैठ के सिलती रहती है और यहीं ये सुई जो है ये भूल जाती है, छोड़ देती है वहीं पर। अब बेचारी हमारी बहू मीनू की क्या गलती है बताइए, यहीं बैठ जाती है, चुभ जाती है, उसे कितनी तकलीफ होती है। क्या है ना बेटा, अगर ये सोफे सारे सफेद रंग के होते ना तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन भाई टाइम थोड़ा है वरना लाइन लगा देते सफेद सोफों की। अच्छा अच्छा, लेकिन जो है मीनू की डैडी जी के हाथ में है, उनकी बेटी है, अगर वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो हम बीच में दखल नहीं देंगे, हम मना थोड़ी करेंगे। नहीं अब अपनी बच्ची पर पहला हक तो अपने माँ बाप का ही होता है ना, है कि नहीं भाई साहब? नहीं नहीं सही कह रहे हैं। हाँ देखा, ये भी कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। आप बुरे तो हम भी नहीं है, बस हालात कभी कभी हमें बुरा बना देते हैं। क्षमा चाहते हैं आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, वो क्या है कि अंदर आईजी साहब की एक जरूरी मीटिंग चल रही है। नो प्रॉब्लम सर, आई अंडरस्टैंड। आइए थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, आइए। ठीक है, क्या हुआ सर? हसीना जी आपके लिए एक बुरी खबर है। अच्छा, जिंदगी में अब तो इतनी बुरी खबरें सुन ली है सर कि कोई भी खबर उतनी बुरी नहीं लगती। बताइए इस बार आप कौन सी बुरी खबर देना चाहते हैं? हमने आईजी साहब को ये जिक्र करते हुए सुना कि अगर आपका थाना बेस्ट थाना प्रतियोगिता नहीं जीत पाता है तो आपका थाना बंद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि प्रतियोगिता का परिणाम ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि इस शहर को आपके थाने की आवश्यकता है या नहीं। ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे थाने के पीछे क्यों पड़ा रहता है हर वक्त? अब एनीवेज सर, आप क्या सोच रहे हैं? वही जो आप सोच रही हैं, आपका थाना हरगिज बंद नहीं होना चाहिए। हमसे बेहतर और कौन जानता होगा कि इस शहर को आपके थाने की कितनी आवश्यकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका थाना ये प्रतियोगिता जीत जाए और यूं ही पूरी निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभाता रहे। शायद इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं सर,
हमें तो लगा था कि आपके लिए अपने फर्ज से ऊपर कुछ भी नहीं। अब भी नहीं है हसीना मलिक, हम आपके साथ एक कॉन्फिडेंशियल बात इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका थाना बंद हो, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आम शहरी की कितनी सारी उम्मीदें आपके थाने के साथ जुड़ी है। इंसाफ के लिए लोगों की नजरें आपके थाने की तरफ होती है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें कहीं इंसाफ मिले या ना मिले, आपके थाने में जरूर मिलेगा। कोई सुने या ना सुने, उनकी आवाज आपके थाने में जरूर सुनी जाएगी। कोई दे या ना दे, आपका थाना सच का साथ जरूर देगा। इसलिए कॉन्फिडेंशियल बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करके हम आपकी नहीं समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा लगा हमें यह जानकर सर कि आप हमारे महिला पुलिस थाने की इतनी वैल्यू करते हैं, हमारे डेडिकेशन को, हमारे इंटेंशन को इतने अच्छे से समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, आज के जमाने में प्रोडक्ट से ज्यादा एड्स बिकते हैं, तो ऐसे में हमारे थाने की ईमानदारी को कोई कैसे समझेगा? और वैसे भी हम चाहें भी तब भी ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि बाकी पुलिस थाने इस कंपटीशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप अच्छे से जानते हैं कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल क्राइम ग्राफ लो होना चाहिए, इसलिए कुछ पुलिस थानों ने रिपोर्ट लिखना ही बंद कर दिया है। जब रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो क्राइम ग्राफ तो अपने आप ही लो हो जाएगा ना। और आप अच्छे से जानते हैं सर कि इस तरह के पैंतरे हमारा महिला पुलिस थाना कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए हो सकता है कि ये कॉम्पिटिशन हम जीत ना पाए। फिर भी आपने हमारे लिए इतना कंसर्न दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद।